गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, मैं विद्याधर सियाग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपके पाठ्यपुस्तक में सरयू नामक जो पुस्तक है उसके काव्य खंड में प्रथम पाठ कबीर के पद पढ़ाने जा रहा हूं। कबीर का जो प्रथम पद है उसमें आत्मा और परमात्मा की एकता के सिद्धांत पर बल देने की बात कही गई है। कबीरदास जी आत्मा और परमात्मा को एक मानते हुए आपको प्रेरित कर रहे हैं, तो आप सुनिए, ध्यान दीजिए। इस पद पर प्रथम पद है जिसका अपन उच्चारण करते हैं। इससे पहले ध्यान दीजिए, जब भी अपन कोई संकेत लिखते हैं तो संकेत लिखते समय प्रथम दो शब्द लिखा करेंगे, काहेरी नलिनी तू कुमलानी। तो ये जो प्रथम पद है इसमें काहेरी शब्द लिखा और अंतिम शब्द जो यहाँ है हमारे जान, तो ये काहेरी रिक्त स्थान हमारे जान, यहाँ तक ये शब्द लिखा गया है। फिर आप लिखेंगे संदर्भ, संदर्भ में आपको लिखना है प्रस्तुत पद्यांश से कवि कबीर द्वारा रचित पदों से उद्धृत है तथा ये हमारी पाठ्य पुस्तक सरयू से संकलित है। प्रस्तुत पद्यांश से कवि कबीर द्वारा रचित पदों से उद्धृत है, उद्धृत का अर्थ है रचित है, तथा ये हमारी पाठ्य पुस्तक सरयू से संकलित है। फिर अपन लिखते हैं प्रसंग, प्रसंग में इस पद्यांश में किस बात का वर्णन किया गया है ये हम लिखेंगे। तो प्रसंग में आपको लिखना है प्रस्तुत पद्यांश में कवि कबीर आत्मा और परमात्मा की एकता के सिद्धांत पर बल देते हुए आत्मा और परमात्मा को एक रूप मानने की प्रेरणा देते हैं, अर्थात इसी बात का वर्णन किया गया है कि आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप होता है, ये दोनों एक ही होते हैं, इसमें कोई भिन्नता नहीं होती, अर्थात कोई अंतर नहीं होता, आत्मा ही परमात्मा होती है, आत्मा ही परमात्मा कहलाती है, इस बात का वर्णन किया गया। फिर व्याख्या करते हैं, इससे पहले आप मीनिंग देख सकते हैं, काहेरी काये का अर्थ है क्यों री, काये का अर्थ है क्यों री, काहेरी अर्थार्थ क्यों री, नलिनी यानी कमलिनी अर्थार्थ कमलनाल, जिसका प्रतीक अर्थ है जीवात्मा, तो यानी उसी कमलनाल को कहा गया है। कुमलानी का अर्थ है मुरझा रही है, मुरझा रही है। तेरे ही नाली, नाली का अर्थ है परमात्मा। सरोवर पानी, सरोवर यहाँ तालाब के लिए है लेकिन यहाँ इसका प्रतीक अर्थ है परमात्मा। फिर तीसरी पंक्ति देखिए, जल में उत्पत्ति, उत्पत्ति का अर्थ होता है प्रकटीकरण यानी प्रकट होना, और जल यहाँ परमात्मा का प्रतीक रूप है। बास का अर्थ है रहना या स्थिति। जलमी नलिनी, हे नलिनी तुम जलमी रहती हो। तोर निवास, तोर का अर्थ है तेरा निवास माने रहना, तुम जलमी ही निवास करती हो। ना तली तपती, तली का अर्थ है जो नीचे का तला है उसको कहते हैं, नीचे के भाग को तला या नीचे से, और तपती माने तपना या ताप लगना। न ऊपरी, ऊपरी माने ऊपर से, आग का अर्थ है यहाँ कष्ट, आग का अर्थ है कष्ट। तोर मन तेरा, हेत यानी प्रेम या मोह को कहा गया है, प्रेम या मोह है। कहू बता, बताओ। काशनी अर्थार्थ किस से लागी, लगा है अर्थात तुम्हारा मोह है, प्रेम किसी और से तो नहीं लगा है, ऐसा कहा गया है। कहे कबीर जे उद्गी, उद्गी का अर्थ है यहाँ जल, समान जल के समान। ते नहीं मुए हमारे जान, मुए का अर्थ है मरे और हमारे जान का अर्थ है हमारी समझ से। तो देखिए प्रस्तुत पद्यांश से कवि कबीर, आप इसका पहले उच्चारण करेंगे मेरे साथ, देखिए। काहेरी नलिनी, काहेरी नलिनी तू कुमलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी। काहेरी नलिनी तू कुमलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी। जल में उत्पत्ति, जल में बास, जल में उत्पत्ति, जल में बास, जल में नलिनी तोर निवास। जल में उत्पत्ति, जल में बास,
जल मिन लेने तोर निवास, न तली तपति न उपरी आग, न तली तपति न उपरी आग, तोर हेत कहू तोर हेत कहू कास नी लागी, कहे कबीर कहे कबीर जे उदकी समान, ते नहीं मुए हमारे जान कबीरा, ते नहीं मुए हमारे जान। तो देखिए आप अपने राग से भी उच्चारण कर सकते हैं। कबीरदास जी भक्ति काल के निर्गुण धारा के संत कवि हैं, तो उन्होंने ओजस्वी वाणी में संगीतात्मक ध्वन्यात्मक राग से अपने पद लिखे हैं, जिसमें संगीत में गेयता प्रकट होती है। काहेरी नलिनी तू कुमलानी, तेरे ही नाले सरोवर पानी। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक और अच्छे भाव से आप व्याख्या को सुनेंगे। प्रस्तुत कवितांश से कवि कबीर द्वारा रचित पदों से उद्धृत है। ये पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक सरयू से संकलित है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि आत्मा और परमात्मा की एकता के सिद्धांत पर बल देते हुए आत्मा और परमात्मा का एक रूप बताते हुए कहते हैं कि क्यों रे नलिनी हे कमलनाल, तू कुमला क्यों रही हो, अर्थात तू मुरझा क्यों रही हो, तेरे ही नाली सरोवर पानी, जो तुम्हारी नली जो कमल की जो नाल है उसमें जो जल विद्यमान है, ये वही जल है जो सरोवर पानी, जो सरोवर का पानी, जो सरोवर में विद्यमान पानी है, ये वही जल है, फिर भी तुम मुरझा क्यों रही हो। अब आपको कि सर सरोवर का एक प्रतीक अर्थ परमात्मा भी बताया, लेकिन ये आपको दो तरह का अर्थ बताया गया है। एक तो अपन बोलते हैं सामान्य अर्थ, और दूसरा है प्रतीकार्थ। मैं आपको एक शब्द लिख करके बताता हूँ, प्रतीकार्थ यानी दूसरे रूप में। यानी यहाँ नलिनी को तो यहाँ कमलिनी कहा गया है, और प्रतीक अर्थ में इसको जीवात्मा कहा गया है। और जो सरोवर यानी तालाब है, उस तालाब का जो पानी है, उस तालाब को यहाँ या सरोवर को तालाब तो कहा गया सामान्य अर्थ में, और यहाँ परमात्मा उसका प्रतीक अर्थ में है। इसलिए दोनों ही अर्थ आपको बताए जाएंगे। पहले एक समझिए, उसके बाद में प्रतीकार्थ बताएंगे, फिर दोनों का कॉमन हो जाएगा। काहेरी नलिनी तू कुमलानी, कबीरदास जी कहते हैं कि हे कमल रूपी नाल, तुम मुरझा क्यों रही हो, तेरे ही नाली, तेरी नली में जो जल विद्यमान है, ये वही जल है सरोवर पानी, ये वही जल है जो सरोवर में विद्यमान है, फिर भी तुम मुरझा क्यों रही हो, तुम्हें किस बात की चिंता है जिसके कारण तुम मुरझा रही हो। जल में उत्पत्ति जल में वास, हे कमल रूपी नाल, तुम जिस जल में उत्पन्न हुई हो, तुम्हारा जो प्रकटीकरण जिस जल में है, उसी जल में तुम रहती हो, अर्थात जिस जल में पैदा हुई उसी में तुम रहती हो। जल में नलिनी तोर निवास, और उसी जल में है नलिनी तेरा निवास है, तुम उसी में रहती हो, फिर भी तुम मुरझा क्यों रही हो। ना तली तपती, क्योंकि जल में रहने से न तो तेरा कोई तलवा या नीचे से तला कोई तपता है, और न ऊपरी आग न ऊपर से किसी प्रकार का कोई तुम्हें ताप सताता है। तोर हेत कहू कास नहीं लागी, कबीरदास जी कहते हैं कि हे कमल रूपी नाल, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारा हेत यानी प्रेम या मोह किसी और से लग गया है। तुम्हारा मोह तो किसी, तुम बताओ कि तुम्हारा मोह किसी अन्य से तो नहीं लगा है। कहे कबीर जी उदकी समान, कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार जल होता है, वह जल आत्मा और परमात्मा का स्वरूप है, ते नहीं मुए हमारे जान। कबीरदास जी कहते हैं कि हमारी समझ से जो जल के महत्व को, जो भीतर और भीतर का जल और बाहर के जल की एकता के ज्ञान का महत्व जो व्यक्ति समझ लेता है, वह मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है, अर्थात उसे अन्य सांसारिक ताप नहीं सताता है, उसे किसी भी यानी जो व्यक्ति कबीर का अनुसार है हमारे जाने यानी हमारी समझ से, वे हमारे मतानुसार कभी मृत्यु के भय से पीड़ित नहीं होते। आत्मा की और परमात्मा की एकता जानने वाला व्यक्ति कभी भी यानी ऐसा मनुष्य मृत्यु से भयभीत नहीं होता है। जिस प्रकार जल के महत्व को, जो बाहर के जल और भीतर के जल के महत्व की यानी एकता का ज्ञान जिस व्यक्ति को हो जाता है,
वह मृत्यु के भय से कभी भी भयभीत नहीं होता है, उसे मृत्यु का भय नहीं सताता है। दूसरा प्रतीक अर्थ में आप देखिए, प्रतीकार्थ में लिखेंगे कि कबीरदास जी कहते हैं, कायरी नलिनी तु कुमलानी, हे जीवात्मा तुम मुरझा क्यों रही हो, तुम उदास क्यों हो, तेरे ही नाली सरोवर पानी। हे जीवात्मा, तुम जिस जगह उत्पन्न हुई हो ये परमात्मा का ही स्वरूप है। हे आत्मा रूपी नली, तुम्हारे में जो हे आत्मा, तुम उसी परमात्मा का स्वरूप हो, तुम उसी परमात्मा के द्वारा विद्यमान हो। कबीरदास जी कहते हैं, हे जीवात्मा तू इतनी दुखी क्यों है, कुमलाना उदास होना या दुखी होना, तेरे ही नाली सरोवर पानी, क्योंकि तेरा मन मुरझा ऐसा क्यों हो रहा है। तू प्रतिपल परब्रह्मा के संपर्क में रहती है, तेरी उत्पत्ति भी परमात्मा से ही हुई है, फिर तुम उदास क्यों हो। हे जीवात्मा तुम उदास क्यों हो रही हो, तुम्हारी उत्पत्ति भी उसी परमात्मा से हुई है, फिर तुम उदास क्यों रहती हो, तुम्हारे उदास होने का कारण क्या है। जल में उत्पत्ति जल में वास, हे आत्मा, हे मतलब जीवात्मा, तेरी उत्पत्ति परमात्मा से हुई है, तू सदा परमात्मा के मध्य ही तो स्थित है, उसी जल में जिस प्रकार नलिनी रहती है। अर्थात तुम्हें कोई सांसारिक दुख या ताप कष्ट नहीं पहुंचा सका। लगता है कबीरदास जी कहते हैं कि हे जीवात्मा तुम्हें उसी परमात्मा से एकाकार हो, तुम्हें किसी भी प्रकार का कोई सांसारिक ताप जो तुम्हें सताता नहीं है, क्योंकि तुम्हें न तो ऊपर से जिस प्रकार जल में क्या है नलिनी को तला तपता है, न ऊपर से कोई कष्ट सताता है, उसी प्रकार हे जीवात्मा तुम उसी परमात्मा में एकाकार हो, उसी परमात्मा के स्वरूप में निवास करती हो, तो तुम्हें किसी भी प्रकार का कोई सांसारिक ताप विविध तापों से तुम मुक्त हो, कोई ताप नहीं सताता है। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि हे जीवात्मा तुम्हारा हित तुम्हारा प्रेम या मोह है किसी और से लग गया, तुम आजकल परमात्मा से प्रेम नहीं करती हो, तुम्हारा प्रेम तो किसी और से होने लग गया, मुझे ऐसा संदेह हो रहा है। कहे कबीर जे उदकी समान, कबीरदास ही कहते हैं कि जो व्यक्ति जो जीवात्मा अर्थात जिस प्रकार मतलब कमल नाल के भीतर और बाहर का जल की एकता होती है, जो व्यक्ति जल के समान जिसे आत्मा और परमात्मा की एकता का ज्ञान हो जाता है, उसे मृत्यु का भय कभी नहीं सताता है। अंत में आप दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, कैसे, कबीरदास जी कहते हैं, क्यों रे हे कमलिनी तुम मुरझा क्यों रही हो, अर्थात हे कमल रूपी नाल, हे जीवात्मा रूपी कमलिनी तुम मुरझा क्यों रही हो, तुम उदास क्यों हो रही हो, तेरे ही नाली सरोवर पानी। हे कमल रूपी नाल, तेरी नली में जो पानी विद्यमान है ये वही पानी है जो सरोवर में विद्यमान है, फिर तुम मुरझा क्यों रही हो। हे जीवात्मा तुम उसी परमात्मा से प्रकट हुई हो, फिर तुम उदास क्यों हो। अर्थार्थ हे जीवात्मा तुम उसी परमात्मा का स्वरूप हो, तुम उसी परमात्मा से प्रकट हुई हो, फिर भी तुम उदास क्यों हो। जल में उत्पत्ति जल में वास, हे कमल रूपी नाल, जिस जल में तुम उत्पन्न हुई हो उसी जल में तुम्हारा निवास है। हे आत्मा जैसा तुम्हारा स्वरूप है ये वही परमात्मा का स्वरूप है, ये जल रूपी परमात्मा के रूप में तुम विद्यमान हो। जल में नलिनी तोर निवास, हे नलिनी तुम्हारा निवास उसी जल में रहता है, तेरा तुम भी उसी जल में रहते हो, अर्थात जो जल रूपी परमात्मा है आत्मा भी उसी में निवास करती है। ना तली तपती न ऊपरी आग, जिस प्रकार कमल रूपी नाल का जल में रहने से न तो नीचे से तला या नीचे का भाग तपता है और न ही ऊपर से उसे कोई कष्ट होता है, उसी प्रकार आत्मा परमात्मा में एकाकार होने से आत्मा को किसी भी प्रकार का बाहरी संताप नहीं सताता है। तोर हेत कहूँ कासने लागी, ऐसे में हे नलिनी कमल रूपी नाल तुम्हारा प्रेम तो किसी और से लग गया है, तू बता हे जीवात्मा तुम बताओ कि तुम्हें किसी परमात्मा को छोड़कर से किसी अन्य से कोई प्रेम या मोह तो नहीं हो गया जिसके कारण तुम उदास रहने लगी हो। कहे कबीर जी उदकी समान, कबीरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति जिस प्रकार भीतर के जल और बाहर के जल की एकता का ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार जो जीवात्मा और या परमात्मा में की एकता को जो समझ लेता है
वह व्यक्ति मृत्यु से कभी भी भयभीत नहीं होता है। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरी समस्या हमारी समस्या वह मृत्यु के भय से कभी भी भयभीत नहीं होता है, वह सांसारिक माया मोह माया से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। अब आप विशेष लिखेंगे इस पद्यांश में अन्योक्ति के माध्यम से आत्मा और परमात्मा की एकता पर बल दिया गया है। यहाँ नलिनी जीवात्मा का रूप है और सरोवर यानी जल जो जल है वो परमात्मा का प्रतीक बताया गया है, इसलिए प्रतीकात्मक शैली का रूप है। समस्त पद में रूप का अतिशयोक्ति अलंकार का भाव प्रकट हुआ है, साथ ही वर्णों की आवृत्ति से क्या है कि अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है और अन्योक्ति का प्रभाव इसमें दिखाई देता है, इसलिए अन्योक्ति अलंकार भी है। इस संपूर्ण पद में कवि की जो भाषा है सदुगड़ी और पंचमेल खिचड़ी के रूप में प्रकट होती है और शैली प्रतीकात्मक तथा भावात्मक है। इस प्रकार आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। आगे की वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।